Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. Just waiting for Roos to come. Or bus add ho rahi hai abhi aa jayegi. I hope kal aapko jo maine sawal hai uske jawab diye wo aapne enjoy kiya hoga. Aur ummeed karte hain ki aaj bhi Urud bahut sare sawal leke aayi hai. So main pehle zara ye pehen lu uske baad main aap logon se baat karu. Assalamu alaikum Urud. Ji Urud aa rahi hai mujhe bhi aa rahi hai sabko. Kaisi ho? Wa alaikum assalam. I know tumhe disturb kiya tum dinner ke upar Ashfan aur unke friends wagaira ke sath. तो बस आधे घंटे की बात है बेटा. आई नो इट्स फॉर आवर पीपल. टोटली फाइन. जी जी बिल्कुल. पीपल वी लव एंड केयर फॉर. टोटली फाइन. और यस ट्रू. सो आज मेरे पास डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन है बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स टुडे एट द डिनर एंड ऑल आई एम डूइंग इज मिसिंग. रूज वेयर इज योर हेडफोन. सो यू बेटर कम हियर सून. ओके ओके. आई एम वेयरिंग देम. ओके फाइन. Yeah, I'm wearing them. See, can you hear them? You see them? Okay. Yeah. So, you know, I bought new AirPods. AirPod, right? Yeah. Yes. Very good. I don't need the wire. Anyway, I'm just showing off to you because my dad didn't want me to buy it. And because, like, tum ghuma doge isko, tumhe kaise pata chalega, ek ghum jayega, ye ho jayega. So, anyway. So, aaj mera jo pehla question hai, wo bada maze ka hai. तो ये पूछा है मुझसे परवीन ने और ये पूछ रही है कि सर आप बताएं कि आप कंफ्यूजन से कैसे लड़ते हैं. वैसे तो अच्छा उरु शायद वायर तुम्हारा हिल रहा है तो ये बीच में कुछ आवाज आती है. अच्छा दे अच्छा समथिंग इज देयर एनीवे होपफुली ठीक हो जाएगा. अच्छा पहली तो चीज ये है कि कंफ्यूजन जिंदगी में कई दफा हमें आता है. हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं उस वक्त हम डबल माइंडेड हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. कई दफा ये भी होता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता. वी डोंट नो व्हाट टू डू. हमें समझ नहीं आती हम क्या करें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अच्छा कंफ्यूजन इज वेरी नेचुरल. अगर आपका दिमाग चल रहा है आप इंटेलिजेंट हो आप होशो हवास में हो तो कंफ्यूजन होगा जिंदगी में. तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक कागज पर कंफ्यूजन को लिखना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल ये NLP की टेक्निक है कि लफ्ज कंफ्यूजन को पहले तो ब्रेक करो. CONFUSION. सी से एक वर्ड बनाओ, ओ से एक वर्ड बटाओ, एन से एक वर्ड बनाओ, एफ से बनाओ. पुट ऑल दोज वर्ड्स टुगेदर एंड सी के कोई सेंटेंस बनता है कि नहीं. दैट्स वन ऑफ द टेक्निक दैट कैन हेल्प इमीडिएटली. दूसरा ये कि जी सो बी ओके लेट मी गेट क्लियर. सो आप कंफ्यूजन लिखेंगे सी का वर्ड बनाएंगे, ओ का वर्ड, एन का वर्ड और फिर उन तमाम वर्ड्स को जब बन जाए तो उसको एक सेंटेंस में लाओ. एक्चुअल द कंफ्यूजन वर्ड द वर्ड कंफ्यूजन CON या एक्चुअल अ कंफ्यूजन. ठीक है. अच्छा उससे बड़ी हेल्प होगी बिकॉज़ जब वो आप एफर्ट कर रहे होंगे तो जब आपके पास लेट्स से आपके पास वर्ड्स आ गए अब उन वर्ड्स को एक सेंटेंस में डालो. इस तरह डालो कि कोई मीनिंग मिले तो उस एफर्ट में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. हाँ रियली. तो ये हमारी पोटली में बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स हैं. तो ये तो आपको अश्वान को कंफ्यूजन बहुत रहता है. अश्वान ऑप्शंस पे जाता है. बाय द वे एक अच्छी बात बताऊं, 3 मिनट पहले आपकी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि 3 मिनट बाकी है. तो उनका शुक्रिया बहुत कि उन्होंने रिमाइंड कराया मुझे. और वैसे भी मैं तैयार था मगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकती है ना. इस वक्त मैं इस्लामाबाद होटल में हूँ, इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे उरुज स्लाइटली बेटर देन. गर्मी है, ठंड नहीं है, कल बारिश हुई है सुना है. बट द वेदर इज ओके. आई मीन इट्स ओके. अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम. ओके ओके. अच्छा अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर जो एंगर है व्हाई इट गेट्स द बेस्ट ऑफ अस. आई मीन इट्स एन इमोशन बट व्हाई डज इट गेट बेस्ट ऑफ अस. सी एंगर बेसिकली इज एन इमोशन व्हिच स्प्रिंग्स आउट और स्प्रंग्स आउट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड वीकनेस. हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जो कि इमोशनल सेंटर कहलाता है. जब कोई डिसीजन हम लेते हैं या कोई सिचुएशन को फेस करते हैं तो ये फिर आ रहा है कुछ. आई डोंट नो व्हाट इज कमिंग, जैसे हवा चल रही हो. एनीवे जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई स्टिमुलस हमें मिलता है बैरून, किसी ने हमें बोला कुछ, हमने कोई चीज देखी, तो वो हमारा रैशनल माइंड जो लॉजिकल माइंड है वो उस
स्टिमुलस को या उस सिचुएशन को या वो गुफ्तगु को किसी ने हमसे की उसको रैशनलाइज करता और एक डिसीजन पे लेते हैं। तुम याद एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी, एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स, ठीक है? अब अब होता यह है कि कुछ लोगों के अंदर नर्वस वीकनेस होती है, मैं बहुत होती है, ईगो बहुत होता है, आई नो वाला प्रॉब्लम बहुत होता है, आई नो एवरीथिंग। और नॉर्मली जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं उनमें ये ट्रेट्स होती है कि उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करता चलूं, ये जितने लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, प्लीज मेहरबानी करके जो भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, हम यहाँ पे आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास सवाल मौजूद है। सेकेंडली, आपका सवाल अपने टर्न पे आएगा, अब हमारे पास ऑलरेडी इतने सवाल हैं, जब आपके सवाल का टर्न आएगा इट्स कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, हम आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह रमजान में ही देंगे। तो एनीवे, अब उसका तरीका ये जी मैं एक और चीज कर रही हूँ, जो सिमिलर सवाल है ना, ठीक है, उनको मैं एक साथ ले रही हूँ, तो मैं उनके नाम ये भी नाम एक साथ ले रही हूँ। क्या वो हवा ज्यादा चल रही है तुम जहाँ पे हो? Yes, I'm right next to the beach. तभी वो हवा आ रही है। Oh God, अच्छा। बाज़ दफा पंखा होता है कमरे में। Anyway, अब एंगर के लिए तरीका ये है कि कोशिश करें कि जब आप एंगर आपका बर्स्ट आउट हो जाए उसके बाद राइट डाउन किस दिन कितने बजे किस मोमेंट पे किस बात पे एंगर हुआ। इफ यू कीप ऑन राइटिंग इट डाउन एवरी टाइम यू रिएक्ट, इट्स बेसिकली अ रिएक्शन, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट हैविंग कंट्रोल, और फिर वो रिएक्शन की जगह एक्शन हो जाएगा। Because action is within control, reaction is not within our control. So please do that. आप अक्सर कहते थे when we are communicating with people, I want you to explain that to them. कि जब हम लोगों से communicate करते हैं, instead of giving a response, we react. So we should learn to give a response. उसको समझाना ही है कि जब हम बैरूनी दुनिया से कोई भी हमें information मिलती है, हमने कोई चीज देखी, कोई आवाज सुनी, कोई जायका चखा, हाथ ने किसी चीज को छुआ या नाक ने कोई भू सूंगी, तो ये स्टिमुलस कहलाता है। ये स्टिमुलस जाता है, हमारा ब्रेन इसको रिस्पॉन्ड करता है। अब चूंकि हम कंडीशनड होते हैं ऑलरेडी, हम सारे के सारे मैट्रिक्स में रहते हैं, हम सारे कंडीशनड हैं। ये सबसे बड़ा इशू हमारे साथ ये है कि हम कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग का मतलब है तासुब पसंद है। तासुब है हमारे जहन में, हमारे अपने नजरियात हैं, हमारे व्यूज हैं, हमारे लाइक्स हैं, हमारे डिसलाइक्स हैं, हमारे परसेप्शन है अबाउट थिंग्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब ये हमें रिस्पॉन्ड करवाता है। अब एक चीज अगर आप समझ लें कि ठीक है, आप 10 साल से खास तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे और आप करते रहेंगे जिंदगी भर, अगर ये समझ लें कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देर इज ऑलवेज अ विंडो ओपन, एक छोटा सा टाइम होता है जिसमें यू हैव अ चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो अगर वो समझ ले कि मेरे पास वक्त होता है, चंद सेकेंड ही क्यों ना हो, बट चॉइस होती है मेरे पास जिंदगी में। जिस दिन आप ये समझ गए, अभी मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे आज सुबह से व्हाट्सएप कर रहे हैं, और मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या हेल्प करूं उनकी, कोई लाला मूसा में, कोई मुल्तान में, हम कराची लाहौर इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो उनमें से अक्सर मैंने देखा कॉमन प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, दे एक सिचुएशन में वो है, उनको समझ नहीं आती वो सिचुएशन से कैसे निकले। पता है प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वो सिचुएशन के अंदर है। अगर आप कुछ देर के लिए सिचुएशन से बाहर निकलो और इमेजिन करो कि आपकी एक फ्रेंड है, उसको यही सिचुएशन है, उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं जिंदगी में। हर सिचुएशन में यू हैव टू चॉइसेस। सी, व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी यू हैव अ चॉइस टू कंटिन्यू इफ यू फील दैट लव इज हेल्पिंग यू टू ग्रो एंड बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग, और लीव इट। तो इवन जिंदगी में किसी को कत्ल करना हो, दो चॉइस होगी, कत्ल करूंगा तो क्या क्या होगा, कत्ल नहीं करूंगा तो क्या। देयर इज ऑलवेज टू चॉइसेस, तो मेक द बेस्ट ऑफ द चॉइस दैट यू हैव एंड दैट विल हेल्प। एंड उरु जस्ट गॉन, अब पता नहीं कहां चली गई, उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे, उसकी फोटो भी नहीं है। एनीवे, तो ये चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन चॉइसेस पे हमें काम करना होगा। हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारी कंडीशनिंग तो है डेफिनेटली, बट स्टिल वी हैव चॉइसेस। उरुज क्या हुआ, वेयर हैव यू गॉन? आई होप तुम्हारा फोन की बैटरी डेड ना हो गई हो एज यूजुअल, या फोन गिर ना गया हो तुम्हारा। वेयर आर यू, आई कांट सी यू, आई एम एडिंग यू अगेन, देयर आई हैव एडेड यू।
let her come because she has all the questions. वैसे और देखो मैंने कहा है वो तो कहाँ खाए पोगी थी तुम डिस्कनेक्ट हो गया था ना मैं आपको लिख तो रही हूँ आई एम तो मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ साथियों ये बड़ा कॉमन है उरूज का कि उसके फोन की बैटरी अक्सर चार्ज नहीं होती तो आप लोग परेशान ना हो और एक और चीज मैं अपनी दोस्त से मिली हूँ आई मीन इट्स लाइक यू नो समटाइम्स यू मीट पीपल फ्रॉम हु आर एग्जैक्टली लाइक यू सो आई मेट दिस फ्रेंड हर नेम इज फातिमा एंड आई एम श्योर शी इज वॉचिंग इट राइट नाउ बिकॉज़ वो ऑनलाइन थी अभी हम दोनों एग्जैक्टली सेम हम दोनों की बैटरी भी ऑफ होती है हम दोनों एवरी टाइम वी वॉक समवेयर हमारा एक्सीडेंट प्रोन जख्म लग जाता है चीजें घुमा देते हैं so I met my twin sister actually so I met my twin friend she's like exactly myself jab main usko dekhti anyway and she is mashallah very confident very talented I love her she made my beautiful cards for me so thank you Fatima for making such beautiful cards for me you are my best friend actually thank you so much Fatima anyway so yaya sahab bhi hame dekh rahe hain aur ek khatoon piche chali gayi unka mujhe aapko comment dena tha कि वो कह रही थी कि डॉक्टर मोइज आपकी जो पार्किंग वाली टेक्निक है ना बड़ी मजे की और बहुत ज्यादा काम करती है ये वाली थ्री फिंगर टेक्निक यस ये वैसे आज सबको बता दूं रमजान में हम आपको अपनी तरफ से एक तोहफा देते हैं पार्किंग टेक्निक जहां पे कहीं पे आपको जाना हो और आपको बताएं वो पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है तो उस जगह पहुंचने से चंद मिनट पहले गाड़ी चलाते हुए दाएं या बाएं हाथ से तीन फिंगर इस तरह क्रॉस कर लें और अपने जहन में ये सोचे कि जैसे ही मैंने फिंगर क्रॉस की है मुझे पार्किंग मिल जाएगी अब आप गाड़ी चलाते रहे इसको बंद रखिएगा गाड़ी चलाते रहे गाड़ी जब आप उस जगह पहुंचेंगे जहां आपको पार्किंग चाहिए यकीन कीजिएगा ऐसा होगा जब कोई गाड़ी से निकाल रहा होगा अपनी यू कैन पार्क योर कार समबडी इज टेकिंग आउट द कार और यू विल फाइंड अ पार्किंग और अगर ये हो तो मेरे उरूज के लिए दुआ जरूर कीजिएगा बल्कि हमारे पूरे टीम्स के साथ के लिए दुआ कीजिएगा अच्छा बड़े मजे की सिल्वा की टेक्निक मॉल में पार्किंग नहीं मिल रही है हम घूम रहे हमें दुबई मॉल में पार्किंग नहीं मिल रही है सो माय ब्रदर गोज लाइक सर यहाँ पे इस वक्त तो पार्किंग नहीं मिली सर ने कहा रुक जाओ एक मिनट सर ने अपना ये मैजिक वॉन्ड निकाला हमें बिल्कुल एंट्रेंस के पास पार्किंग मिली सो दैट वाज अमेजिंग कनाडा नियाग्रा फॉल्स पे रिमेंबर नियाग्रा फॉल्स पे यस 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 व्हेन वी वर माय गॉड इम्पॉसिबल टू गेट अ पार्किंग एट द राइट स्पॉट एंड वी गॉट इट सो शाहीनीला मजर कह रही है उरुज डियरी You need to buy a few sets of power banks then. You know, actually, I had so many power banks. So that's another thing. Sir, do you think I have absence of mind? That's why this happens? It's basically, जो बहुत ही genius लोग होते हैं, मैं कल एक खातून को रात को बता रहा था कि उसकी भी आदत को तुम्हारी तरह है, वो भी चीजें भूल जाती है, फोन भूल जाती है, चीजें भूल जाती है. मैंने कहा होता ही है कि जो लोग absent minded होते हैं, वो basically बहुत genius होते हैं. एक दिन को अपने रास्ते जा रहा था अपनी ऑफिस तो रास्ते में एक दोस्त मिला उससे बातचीत करने लगा बातचीत करने के बाद उसके दोस्त ने कहा चलो भाई मैं भी जाऊं तुम भी जाओ तो उसने कहा एक मिनट रुको मैं कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था उसको पता ही नहीं इवन अल्लामा इकबाल कई दफा ही वॉज इन द स्टेट असल में ये स्टेट में जब आप होते हैं तो उस वक्त कुछ देर के लिए आप दुनिया से कट आउट हो जाते हैं तो इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू डोंट रिमेम्बर टू ईट फूड ये जो आजकल बड़ा मसला है कि बच्चे बहुत हाइपर है सो कुछ लोगों के सवाल है अगेन मैं एक सवाल नहीं ले रही हूँ जो बहुत सारे मल्टीपल सवाल है उनमें से एक सवाल मतलब एक बना के सवाल पूछ रही हूँ कि जो बच्चे हाइपर होते हैं राइट अब एक दो साल के बच्चे से बंदा क्या एक्सपेक्ट करे लेकिन वो दो साल का बच्चा चीजें तोड़ रहा है गुस्से में आ रहा है वालदा को मार रहा है वालिद को मार रहा है लोगों को यू नो जब आप गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पे वो बहुत बदतमीजी कर रहा है तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं कैसे डील करें और ये क्या कंडीशन है अच्छा एक तो इसका कॉज बता दूं जो बच्चे पैदा हुए रिसेंटली इन द लास्ट 7-10 years वो माहौल के अंदर तब्दीली डाइट के अंदर तब्दीली एनवायरमेंट में पोल्यूशन माँ बाप की हाइपर एक्टिविटी घर के अंदर मियाँ बीवी की बनती नहीं है सब्र है नहीं टीवी बहुत ज्यादा देखा जा रहा था मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था तो पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर असर होता है और उसके उसके ये हाइपर एक्टिविटी होती है अब मसला ये है कि बच्चा दो साल के बच्चे को आप मेडिसिन भी नहीं दे सकते सात साल तक बच्चों को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए समटाइम्स मेडिसिन इज रिक्वायर्ड मगर 7 साल के बाद अब दो सिचुएशन एक ये कि मां एक ही बच्चे को दे दूसरी है कि किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाए वो थेरेपियां करते हैं वो कुछ
चीजें करते हैं, उनकी टेक्निक्स होती है, जिससे टाइम बहुत लगेगा उसमें, बच्चे में थोड़ी सी सुकून आना शुरू हो जाएगा, पर रेकी से बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा यार साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को, और फातिमा आई लव यू टू, एंड तलहात गुड टू सी यू राइट नाउ हियर, आई होप उमर भी हमारा देख रहा होगा। हमारे एनएलपी के हमने बड़े सारे ट्रेनर बनाए, ऑलमोस्ट 10 से 12 ऐसे एनएलपी के ट्रेनर, 10 ट्रेनर एनएलपी, 11 ट्रेनर एनएलपी के हैं, 10 सिल्वा के हैं, और आने वाले दिनों में अगले 2 महीनों के अंदर दुबई में भी सिल्वा ट्रेनर्स प्रोग्राम करेंगे, कराची में भी कर रहे हैं और इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। अच्छा, then amazing. So we're gonna be doing it in Dubai as well, right? एक कहते ना कि एक दरख्त हो, उस दरख्त की जितनी शाखें होंगी ज्यादा, उतनी उन शाखों पे फल लगेंगे, तो जितने फल लगेंगे उतने लोगों को फायदा होगा। तो अब हम अपनी शाखें पैदा कर रहे हैं ताकि वो लोग अपनी जिंदगियों में प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं, लोगों को बेनिफिट भी पहुंचाए, और अच्छा करियर भी है ये बहुत ट्रेनर के तौर। अच्छा, शाहीना मजर कह रही है कांट वेट टू मीट यू टुमारो फॉर एकी सेशन। सो शाहनीला मजर, अब डॉक्टर मोइज से मिलेंगे, बट आई एम गोना मिस यू गाइस टुमारो एंड इन द ऑल ऑल रेकी सेशन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कल स्पेशल कर दूं मैं कुछ बोलूं, कल 3 बजे रेकी स्टार्ट होगी जुम्मे की नमाज के बाद, और ये याद रखें कि रेकी स्पेशल रेकी होता है रमजान में, तो हम पर्सनल गुफ्तगू बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे फिर कल रेकी करते ही आई हैव टू बाय रोड गो टू लाहौर, और कल ये सेशन नहीं होगा बिकॉज जिस टाइम 11 बजे आई विल बी ऑन द रोड लाहौर, मोटरवे पे होऊंगा, बट इंशाल्लाह होपफुली आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैव इट ऑन मंडे, तो 3 दिन छुट्टी होगी फ्राइडे से। अच्छा, शाहीना मजर कह रही है सर, आई हैव बीन सीइंग यू इन माय ड्रीम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, कांट वेट टू मीट यू फाइनली टुमारो। सो आपको लोग बड़ा ख्वाब में देखते हैं यार। अच्छा, मैंने भी आपको देखा था, मैंने कल ख्वाब नहीं था बट मैंने देखा। मैं डांट तो नहीं रहा था तुम्हें? नहीं यार सर, अजीब सा ख्वाब था, बता दूं सबके सामने? अच्छा, नहीं नहीं, बुरा ख्वाब हो तो नहीं बताना चाहिए। क्यों, आप बताओ ना क्या था। असल में हुआ ये कि एक तो आप जा रहे हो कराची से लाहौर से कराची व्हाटएवर, राइट, अलोन, यूजुअली आई एम ट्रैवलिंग विद यू, सो इस टाइम मैं ट्रैवल नहीं कर रही, तो मैं पहले सो के उठी, अश्वान ऑफिस गया मैं, फिर वापस आके अपने बेड पे सो गई। अच्छा, मैं सो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं सोई भी हूँ कि नहीं भी सो रही हूँ, मुझे ख्वाब आया कि हम एक प्लेन में दोनों आइल सीट पे बैठे हैं, आप एक सीट पीछे बैठे हो, और है ना आप कह रहे हो उरूजी पेप्सी की बॉटल वापस रख दे ग्लास, क्योंकि अल्लाह ना करे कि प्लेन क्रैश हो जाए तू भाग सके। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं देखती हूँ कोई व्हाइट कलर का क्लियर ग्लास पेप्सी का किसी को दे रहा है, एंड आई एम सीइंग दैट लाइक द रोड इज गेटिंग नैरो एंड द प्लेन लाइक द स्काई इज गेटिंग नैरो, द प्लेन कैन नॉट गो। देन आई फैक्चुअली थॉट कि यार ये शायद मेरा इनसिक्योरिटी होगी बिकॉज आप अकेले जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो, बट आई डोंट नो इट्स व्हाट इट इज। देखो इसमें हमेशा ड्रीम की इंटरप्रिटेशन जब करते हैं ना तो सिंबल्स देखे जाते हैं, और सिंबल्स का ताल्लुक देखने वाले की जिंदगी से होता है और उसके अकायद से होता है, बिलीफ से होता है। सही, पेप्सी का तुम्हारी जिंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक है पेप्सी का, तो तुमने पेप्सी आई तुम्हारे जहन में, ठीक है, और तुम्हें पता है मैं बार बार मना कर रहा हूँ पेप्सी कम पियो ना पियो, तो शायद ये भी ख्वाब में हो। दूसरी चीज इनसिक्योरिटी है बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग अलोन, तो तुम्हारे थोड़ा सा तुम्हें होता है कि मैं अकेला हूँ, अब बाबा अकेले हैं तो यू नो यू आर परेशान होती है, बट नथिंग टू वरी अबाउट, ख्वाब में कोई ऐसी चीज नहीं है। It's nothing, yeah? Nothing, nothing to worry about, yeah. अच्छा, वो उरूज कुछ सवाल आता है। सर कोई पूछ रहा है कि ऑनलाइन रेकी सेशन कोई कर सकता है क्या? अच्छा, अगर कोई ग्रैंड मास्टर हो तो वो कर सकता है, मगर इसमें मसाइल ये होते हैं कि अट्यूनमेंट जिस तरह दुआ पहुंच सकती है, शर्त ये ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर का मतलब ये है कि उस शख्स ने जो मास्टर हो उसने कम से कम 50,000 से ज्यादा अटूनमेंट की हो। मैंने 1,20,000 से ज्यादा की अटूनमेंट, ठीक है, तो आई एम ग्रेट ग्रैंड मास्टर। अब इसमें इसमें इशू होता है इसको अरेंज करना, ऑनलाइन अरेंज करना। जब हम क्लास में होते हैं ना, पीपल कैन सी मी वॉच मी, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब मेरे ऑरा की फील्ड में लोग होते हैं तो मेरा ऑरा उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब ओवर द इंटरनेट वो ऑरा इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता इतनी इजी, होता है फिर भी मगर इतना नहीं कर सकता, बट एनीवे ये पॉसिबल है और उसके ऊपर हम काम करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि तुझे पता है हमारी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। अच्छा सर, ये काम करें जी। अच्छा काम करें सर, बिल्कुल बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मैं कह रही हूँ ऑनलाइन शुरू कर दो सर, बट आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। एनीवे एक मेरा सवाल ये है आपसे कि, और एक्चुअली मेरे दिमाग से वो स्किप भी होगा जो एग्जैक्टली मैं चीज पूछना चाह रही थी आपसे,
मेरे दिमाग से स्किप हो गया आपने जब मुझे बीच में बोला ना गुरु तो। ये अच्छा शेनीला मजर क्या बोल रही है, क्या कह रही है? मेरी बात हो गई इनसे। ये कह रही है 1,20,000 अटूनमेंट्स माशाल्लाह, मोर पावर टू यू सर। थैंक यू। असल में आज मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ सवाल पे। क्यों? 1,20,000 प्लस हुआ है, 1,20,000 प्लस इंशाल्लाह। नहीं सर, आपके अंदर एक बात है, आप जिस तरह रेकी के अटूनमेंट देते हो यू डोंट गेट टायर्ड। हम सारे रेकी मास्टर हम बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं 5 अटूनमेंट के बाद। मैं तो बस मुझे बस हो गई, मैंने नहीं करनी रेकी। हाउ डू यू डू दैट? जिस काम को मोहब्बत और प्यार से किया जाए, जिस काम के साथ इश्क हो आपको ना, उसमें थकन नहीं होती। महबूब कभी थकता है? कभी नहीं थकता। सॉरी, आशिक कभी थकता है? नहीं थकता। महबूब थक जाता होगा, आशिक नहीं थकता। ये इश्क का इम्तिहान तो है ना। अच्छा मुझे बात बता सकते, चलिए लेट्स डू वन थिंग, हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और फिनिश करते हैं, बिकॉज़ इट वाज आवर फर्स्ट वीक एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द कंटेंट एंड एवरीथिंग। मंडे को लेट्स कीप इट अ प्रोग्राम जिसमें सिर्फ ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। व्हाट डू यू से? ऑन मंडे मगर एक काम, हां एवरी मंडे ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर दो, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है हम उस पे कर ले काम। ये जो सवाल आपके पास आए, मेरे पास भी आए, जितने सवाल आए और ऑडियो सवाल भी आए, मैंने भी ऑडियो सवाल तुम्हारे पास भी आए, राइट? तो अगर तुम कल टाइम मिले तो उन सवालात को, ऑडियो सवालात को लिख लो, ताकि हम मंडे को ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर लेते। चलो फाइन, नो प्रॉब्लम, ट्यूसडे कर लेंगे। मैं एक और चीज कर रही हूँ, जिनको ड्रीम भेजना है प्लीज ड्रीम डॉक्टर मोइज को डायरेक्टली भेजे 123boss@gmail.com पे, या मुझे भेजे urujtims@gmail.com पे, मेरी मेल आईडी लिख दूंगी आपको। सो वी गोना टेक अप दोस ड्रीम्स। और मैंने ये किया है सर, सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन है, उनको मैं एक साथ ही पढ़ रही हूँ, छोटा करके कर रही हूँ, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव मच टाइम to discuss all the questions, you know, in a way separately उनका जवाब दिया जाए। अच्छा ये अक्सर लोग पूछ रहे कि रेकी करने के बाद, नहीं जो लोग रेकी, असल में रेकी हो रहा है तो रेकी के सवाल आ रहे हैं, मैं क्या करूं सर? I have to answer to them. Is there any way? Yes, yes. Is there any way कि जहाँ पे रेकी खत्म हो सकती है? दो सूरत में हो सकती है, या तो आपकी कोई सर्जरी ऐसी हुई हो जिसमें आप जनरल एनेस्थीसिया में 3 घंटे प्लस आप बेहोश हो ना, बड़ी सर्जरी में 4-5 घंटे की होती है, तो उसमें फिर आपको रीअट्यूनमेंट करना पड़ती है, यानी हम आपको रीअट्यून कर देते हैं। और दूसरी चीज वो होती है कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हो, कोई ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरे टेक्नीशियन हो, बार बार आपका एक्सपोजर अगर होता है तो फिर आपको रीअट्यूनमेंट करनी पड़ती है, वरना। और एक और चीज बता दूं इंटरेस्टिंग, उरूज फिर गायब हो गई, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि घर में अगर आप कोई खवातीन है या कोई खातून है जो कि उम्मीद से है, तो अगर उसको रेकी दी जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये उम्मीद है कि प्रेगनेंसी के वक्त पेनलेस प्रेगनेंसी होगी। उरूज तुम फिर गायब होगी। गॉड सम, ये बड़ा मसला है इंटरनेट का है क्या। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ फिर जब तक उरूज नहीं आती थोड़ी देर बाकी हम इसी में से कुछ सवाल ले लें। आपको पॉलिटिशियन ड्रीम आती है, काम कीजिएगा हुमैरा, आप ये सवाल उरूज को भेजिएगा, तो हम जो है वो मंडे को लेंगे। अब देखें कल फ्राइडे है, कल रात को मैं यहाँ रेकी कम्प्लीट करके इस्लामाबाद से बाई रोड आई विल बी गोइंग टू लाहौर, तो 11 बजे का टाइम आई विल बी ऑन द रोड, और इंटरनेट रोड के ऊपर सही चले ना चले मोटरवे पे, तो कल हम नहीं करेंगे सेशन। सैटरडे मैं लाहौर में कर रहा हूँ रेकी, लाहौर में रेकी कंप्लीट करके मैं कराची के लिए फ्लाइट लूंगा, मेरी फ्लाइट 9:30 है, तो बाय द टाइम आई लैंड इन कराची 11 बज चुके होंगे, तो सैटरडे भी नहीं होगा। संडे हो सकता है, हम कोशिश करेंगे, संडे कराची में रेकी है, तो रेकी कंप्लीट करने के बाद मैं संडे रात को 11 बजे आ सकूंगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, आप लोग ग्रुप में हैं अगर नहीं है तो प्लीज एक काम करें, अपना नाम किस शहर में रहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जब कभी आप मुझे व्हाट्सएप करें फर्स्ट टाइम, तो प्लीज अपना नाम अपना शहर बताइए, मेरा नंबर लिख ले आप लोग, मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि संडे सेशन होगा कि नहीं। 0333-233-2047 अगर आप में से कोई ये नंबर लिख लें तो आई अप्रिशिएट, भला करेगा अल्लाह आपका अगर ये नंबर आप लिख लें तो 0333-233-2047
इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें. तो याद रहे, थैंक यू निदा, आई होप इट्स निदा, इट्स कल सेशन नहीं होगा रात को, सैटरडे भी नहीं होगा, संडे इंशाल्लाह होगा. ताहिरा थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल ऑफ यू सादिया थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब बहुत सारे सवाल थे, एक सवाल इंडिया से भी आया था, बिलखसूस एक खातून का, रूज ने कल भी पढ़ा था, आई थिंक सम देसाई लेडी फ्रॉम इंडिया देसाई, आज भी उन्होंने एक मैसेज भेजा है. मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ उनको कि मुझे शॉर्ट में बताइए कि आप पूछना क्या चाहती है. आपने कल शायद ये कहा था कि आपको तलाश थी किसी शख्स की जो आपको इस रास्ते पे लाए रूहानियत पे, तो शायद आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं. तो एक चीज़ याद रखिए मिस देसाई, कि इंसान जब दुनिया में आता है तो वो हमेशा रोता हुआ आता है. इसलिए रोता हुआ आता है कि पैदाइश के लिए, एक तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसका रोना बहुत ज़रूरी है, और जो बच्चा ना रोए डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा नहीं रोया, ब्रेन में प्रॉब्लम होता है. तो एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी बच्चा रोता है जब दुनिया में पैदा होता है, एक मेटाफोरिक इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, वो ये कि बच्चे को पता है कि उसको ज़िंदगी में क्या क्या फेस करना है. पैदा होगा, उसके बाद बीमारियाँ होंगी, टीके लगेंगे, डॉक्टर दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, चलने से पहले गिरेगा, कई दफ़ा गिरेगा, चोट लगेगी, स्कूल में टीचर डांटेगा, माँ बाप को भी चांटा मार देंगे, यानी ये तमाम मुश्किलात से वो ज़िंदगी भर गुजरेगा. तो मुश्किलात इसलिए ज़िंदगी में होती है कि अगर वो ना हो तो आपके लिए ज़िंदगी बेरौनक हो जाए. एक छोटा सा किस्सा बता दूँ आपको, उसके बाद एंड करता हूँ, मेरे ख्याल में टाइम होने वाला है. यस, चार मिनट बाकी. एक दो दोस्त थे, दोनों को रूहानियत का बड़ा शौक था. प्लीज़ अभी मैंने कहा था आप सवाल ना भेजें, बिकॉज इस वक्त मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता. आप बराए करम व्हाट्सएप करें सवाल जो नंबर दिया हुआ है, एंड किसी का पॉजिटिव है रेकी के बारे में, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, दो दोस्त एक हुजरे में गए एक बाबा जी के पास. बाबा जी ने कहा ठीक है जी, कुछ अरसा मेरे साथ रहो. दो वक्त का खाना मिलता था उनको, सुबह का नाश्ता और शाम को 7 बजे खाना मिलता था. अच्छा, इन्होंने नोटिस किया दोनों ने कि जब खाना आता है तो हाफ ऑफ द फूड, आधा खाना जो है वो कड़वा होता है, आधा मीठा होता है. अब दो दोस्त में से एक तो चुपचाप दोनों हिस्से खा लेता था, यानी कड़वा पार्ट और मीठा पार्ट. मगर एक दोस्त जो था वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, वो क्या करता था, कड़वे वाला हिस्सा फेंक देता, मीठे वाला हिस्सा खा लेता. कुछ महीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो दरवेश जी के पास, गुरु जी के पास ले गए. गुरु जी ने तबीयत मालूम की तो पता चला उसको शुगर की बीमारी होगी. तो ये लड़का बड़ा हैरान कि मैं इस उम्र में शुगर की बीमारी, तो उसके गुरु जी ने उससे पूछा, उसके शेख ने उससे पूछा कि जो खाना तुम्हें मिलता था वो दोनों हिस्से खाते थे? वो कहता नहीं, कड़वा फेंक देता था, मीठा खाता था. कहा इसीलिए तुम्हें बीमारी होगी. तो जिंदगी में कड़वाहट और मिठास दोनों जरूरी है. अगर सिर्फ मिठास होना तो कुछ अरसे के बाद आपको वो मिठास कड़वी लगने लगेगी. अगर दिन ही दिन होना तो एक वक्त आएगा जब आप दिन से बेजार हो जाएंगे. और जो लोग सूरज को पसंद नहीं करते उनको नहीं पता कि अगर रात ही रात होना तो फिर आप सूरज को ढूंढते हैं. उन ममालिक में जाएं, अलास्का वगैरह में, साउथ पोल पे जाएं जहाँ 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता. तो ये दोनों पार्ट जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ब्रिटिश ने 70% दुनिया पर हुकूमत की, 70% के करीब ब्रिटिश कौम ने, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उनका वेदर, उनका मौसम. वो इतने बेजार हो गए थे अपने मौसम से कि वो ब्रिटेन से बाहर जाते थे, और इस तरह उन्होंने दुनिया फतह की. एनीवे, सवाल लिख के भेजिएगा. आने का बहुत बहुत शुक्रिया. दुआओं में याद रखिएगा मुझे, उरूज को, मेरी टीम को, हम भी आपको. मुझे याद है एक दुआ जो मैं हमेशा करता हूँ और आज आपके साथ शेयर करता हूँ. जब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तो सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है और देते रहे. मैं उनको दुश्मन तो नहीं समझता, मगर आम फहम जबान में आप दुश्मन कह लें, उनके लिए दुआ करता हूँ. उसके बाद अपने उन स्टूडेंट्स के लिए या उन शागिर्दों के लिए कि जिन्होंने कोई ना कोई वर्कशॉप किया, और हमेशा दुआ होती कि परवरदिगार इनके जो भी जायज़ ख्वाहिश आते हैं वो पूरा करना, उनको मुश्किलात से निकालना, कर्ज में से निकालना, इनकी शादियाँ हो जाए, साहिब औलाद हो जाए. फिर मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो कभी किसी वर्कशॉप में आए नहीं है, मगर सम आओ मेरे से रबते में, कभी कोई ईमेल पे कोई बात कहता है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई फेसबुक पे है,
यूट्यूब पे कमेंट आ जाते हैं, तो मैं फिर उनके लिए भी कहता हूँ परवरदिगार जहाँ कहीं हो, मैंने उनको देखा नहीं है, व्हाट्सएप आते हैं उनके या मेल आती है, बस वो जहाँ कहीं हो परवरदिगार उनके जो भी मुश्किल हो वो दूर कर और उनको जिंदगी आखिरत और दीन में कामयाबी अता कर। फिर मैं अपने वो बुजुर्ग जो हमारे दुनिया से चले गए, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे नाना वगैरह, उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो मुझसे बहुत क्लोजली मुंसलिक है, मेरे रिश्तेदार। फिर खून के रिश्तों के लिए दुआ, आखिर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। और मेरी एक दुआ होती है अल्लाह से हमेशा कि परवरदिगार जब तक जिंदा रहूँ अपने सिवा किसी का मोहताज मत करना, और मुझे तौफीक देना कि मैं जिस मकाम पर हूँ नमाज के वक्त मैं उस जगह सजदा कर सकूँ तुझे। मैं दुनिया घूमता हूँ, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ के मैं उस जगह सजदा करता हूँ और कहता हूँ परवरदिगार यहाँ भी मैंने आज सजदा किया, तेरा शुक्र है। तो ये दुआएं इस तरह करा करें, दूसरों के लिए क्या करें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करें, जिंदगी में बेतहाश खुशियाँ दे, बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। आपसे मुलाकात होगी इतवार को इंशाल्लाह ताला। व्हाट्सएप में अपना नाम और शेयर ज़रूर लिखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।